क्या है, फोर फ्रेंड्स। क्लियर। तो आज हमने टू पार्ट्स की स्टोरी रीड की थी, आज हम उसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे। क्लियर। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 64 ओपन करेंगे। यहां से आज हम रीड करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। क्लियर। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि मोंटी ने डेजी के जो डेजी जाल में फंसी हुई थी उस जाल को कट किया और उसको वहां से आजाद कर दिया था। अब उसके आगे क्या हुआ, डेजी थैंक यू सो मच मोंटी, डेजी ने मोंटी को थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। बाय द टाइम डेजी इज रेस्क्यूड टिंकू रीचेस द स्कूल, जब जिस टाइम डेजी आजाद हुई, जब डेजी आजाद हुई उसी वक्त टिंकू उस जगह पर पहुंच गया। कुकू रन, एवरीबडी रन, द हंटर इज हियर, कुकू ने कहा भागो सब यहां से भागो, शिकारी आ रहा है। मोंटी लुक द हंटर हैज कॉट टिंकू, मोंटी ने कहा देखो हंटर ने टिंकू को पकड़ लिया। ही हैज पुट हिम इन अ बैग, उसने उसको अपने बैग में डाल लिया, उसको जाल में पकड़कर ट्रैप करके अपने बैग में डाल लिया। कुकू ओ नो, कुकू ने कहा अरे नहीं, वी शुड हेल्प हिम, हमें अब उसकी मदद करनी चाहिए। डेजी आई हैव अ प्लान, डेजी ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है, एक तरकीब है। क्या है वो, आई एम गोइंग टू लाई डाउन अ गुड डिस्टेंस अवे वेयर द हंटर कैन सी मी, उसने कहा कि मैं यहां से कुछ दूरी पर जाकर जमीन में लेट जाता हूँ जहां जब जहां हंटर मुझे शिकारी देख ले। कुकू कैन सिट ऑन मी, कुकू ने कहा कि मैं भी बैठ सकता हूं कि तुम मेरे ऊपर बैठो, कुकू ने कहा कि तुम मेरे ऊपर बैठो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं। ठीक है, किसको बताइए कौन लेटा हुआ था उस दूरी पर, टिंकू। क्लियर। अब द हंटर विल थिंक दैट आई एम डेड, तब क्या होगा कि हंटर सोचेगा कि मैं मरा हुआ हूं, मर गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ही विल कम टुवर्ड्स मी, फिर वो मेरे पास आएगा। एट द मोमेंट, उसी टाइम पे मोंटी कैन कट द बैग एंड सेव टिंकू, मोंटी क्या करेगा उस बैग को कट करेगा और टिंकू को बचाएगा। ठीक है, मोंटी दैट इज अ गुड प्लान, लेट अस डू इट, मोंटी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है, चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं, इस प्लान को करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। द हंटर सीज डेजी लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड कुकू सिटिंग ऑन हर, अब हंटर ने देखा कि डेजी जो है जमीन पर लेटा हुआ है और कुकू उसके ऊपर बैठा हुआ है। ही पुट्स द बैग डाउन, उसने अपने बैग को नीचे रखा, किसने, शिकारी ने, एंड वॉक्स टुवर्ड्स डेजी, और डेजी की तरफ जाने लगा। मोंटी क्विकली कट द बैग ओपन, मोंटी ने जल्दी से बैग को कट किया और उसको खोला। टिंकू एंड मोंटी हाइड बिहाइंड द बुशेस, अब टिंकू और मोंटी कहां छुप गए, झाड़ियों के पीछे। मीनवाइल उसी वक्त एज द हंटर नियर्स डेजी, जब मीनवाइल मींस जब वहां पे उसी टाइम पे हंटर डेजी के पास पहुंचा, सी डार्ट्स अवे, वो क्या हुआ वहां से भाग निकला। द फोर फ्रेंड्स एस्केप एंड लाइव टुगेदर हैप्पीली, और फिर चारों दोस्त वहां से भागे, वहां से चले गए और साथ में खुशी खुशी रहने लगे। आप देखिए इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की मुसीबत के टाइम पे मदद करनी चाहिए, है ना, करनी चाहिए ना। अगर आपके किसी फ्रेंड को कोई चोट लगी है तो आपको उसको दवाई लगानी चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, या उसको कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या किया, कौन कौन था, मोंटी डेजी टिंकू एंड कुकू, फोर फ्रेंड्स थे, सारे साथ रहते थे और उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करके हंटर से एक दूसरे को बचाया।
क्लियर? सो रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो इसको अच्छे से रीड करना है, एंजॉय करना है. और इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, रेस्क्यू, रीचेस, डिस्टेंस, एस्केप, क्विक. क्लियर? इनको भी प्रॉपर रीड करना है कि स्पेलिंग रीड करनी है, इनको रीड करके देखना है कि कैसे बोलना है आपको इसको, ठीक है? और नोटबुक में राइट डाउन भी करना है, स्पेलिंग्स भी लर्न करना. क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.